वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिग ब्रो फन में आप लोग का स्वागत है। आज हम दिखाने वाले आप लोग को हमारे बिहार में जो एक पूजा होता है, नियम है अनंत पूजा। तो आज हमारे यहाँ अनंत पूजा है, तो हम अभी उसी में बस जा रहे हैं। अनंत पूजा में देखेंगे, दिखाएंगे आपको क्या क्या होता है। तो जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनको मैं ये कहूँगा हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सारे लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोग को दिखाते हैं, सारी चीज़ों जैसे जैसे प्रथा होती सारी चीज़ें मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो आइए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि अनंत पूजा क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। बस हम लोग जा रहे हैं अब पूजा में, आइए चलते हैं देखते हैं अनंत पूजा में। अनंत पूजा में क्या होता है कि हम लोग विष्णु भगवान की तरह से पूजा होता है और एक अनंत भगवान की पूजा होती है जिसे विष्णु भगवान का ही रूप कहा जाता है। और उसे पूजा करके हम लोग हाथों में उसे दाहिने हाथों में लड़के लोग बांधते हैं और उसके पूजा पाठ बड़ा विधि विधान से होता है, जो कि पांडे जी के यहाँ होता है। तो अभी यहाँ हो रहा है तो हम उन्हीं के यहाँ भी जा रहे हैं। ये देखिए सब छोटा बड़ा देखेंगे तुम लोग क्या देते हैं। खैर जब मम्मी आ रहा है सबके जैसे कि अभी हम गए थे अनंत पूजा देखने, तो मैंने देखा कि पूजा लगभग समाप्त हो चुका था और अब हम लोग अनंत जी को बांधेंगे हाथ में, बांधते हैं, दिखाते हैं कैसे हाथ में बांधा जाता है अनंत जी को। देखिए इस तरह से ये बांधे जाते हैं हाथों में, लड़के लोग दाहिने हाथ में और लड़कियाँ बामे हाथ में पहनती हैं। इसका ये बता रहे थे अनंत पूजा के बारे में। तो अनंत पूजा का ये महिमा होता है कि अगर कोई संकट आने वाला है तो थोड़ा उसमें आपको सुधार मिलता है, थोड़ा संकट टलता है, टलता नहीं लेकिन जो संभावना होती है कि ज़्यादा कुछ होना होता है तो उसमें भगवान थोड़ी हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा मानना होता है। बाकी मानने वाले को भगवान को पत्थर मानो तो भगवान भी तो ये चीज़ कहा जाता है। तो हम लोग मानते हैं, तो हम लोगों ने पूजा किया और इसी बारे में आप लोगों को हमने आज अपडेट किया और बताया। तो यहाँ तक रहने देते हैं, पूजा लगभग तक ख़त्म ही हो गया तो मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।